नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका चैनल टेक्निकल ब्लॉग में। आज मैं बात करने वाला हूं आरआरबी ग्रुप डी के कटाव के बारे में। पूरी वीडियो में बने रहना, मैं फैक्टर के साथ बताऊंगा आखिर क्यों कितनी कटाव जाएगी, पिछली कटाव भी बताऊंगा कितनी वैकेंसी थी, कितना पर सीट कंपटीशन था, इस बार कितना है और कटाव कम क्यों जाएगी, ज़्यादा क्यों जाएगी, एक एक फैक्टर को मैं जोड़ के बताऊँगा। आज मैं आरआरबी इलाहाबाद की कटाव बताने वाला हूँ। अगर आप जिस जोन से हैं उस जोन में मतलब कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस जोन की भी कट ऑफ एनालिसिस करके बता दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आरआरबी इलाहाबाद के बारे में। यहाँ देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2018 में, जो मतलब पिछली बार यहाँ आप देखेंगे 2018 आरआरबी ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई थी आज से 3 साल पहले, तो उसमें देखेंगे 4762 पोस्ट थी। टोटल पोस्टें जो थी इलाहाबाद जोन में 4762 पोस्टें निकाली गई थी। और यहाँ पर देखेंगे पर सीट कंपटीशन की बात करूँ मैं, अगर यहाँ देखेंगे 18 लाख कैंडिडेट जो है फॉर्म भरे थे उस समय, मतलब आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट ने उस समय फॉर्म भरा था। और पर सीट कंपटीशन लगभग आप निकालेंगे तो लगभग एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, तो लगभग 18 लाख कैंडिडेट थे, तो उस हिसाब से 377 प्लस कैंडिडेट एक सीट के लिए फाइट कर रहे थे। यानी आप सोच सकते हैं कि एक सीट के लिए 376 लड़कों को पीछे करना है तब आपका नंबर आने वाला था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंपटीशन था। और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का तो आपने देखा था, किसी के 15 नंबर तो किसी के 25 नंबर तो किसी के 30 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए थे। यानी किसी के 90 से 120 हो गए थे, किसी के 60 से सीधे 100 हो गए थे, तो नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा था। और एक बात मैं और बता दूं कि ये डिपेंड करता है कि क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट, यानी किसी भी जोन की कटाप वहाँ की क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करती है कि वहाँ पर कैंडिडेट कैसे हैं, मॉडरेट लेवल के हैं कि हार्ड, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो 0.1% ऐसे कुछ करके नॉर्मलाइजेशन वो निकालते हैं। रेलवे बोर्ड का अपना एक फार्मूला है, वो कैलकुलेट करके बताते हैं। रिजल्ट आने के बाद भी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन हुआ है, बस हाँ नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो हुआ है। ये पूरी डिटेल थी। और आगे मैं बात करूँ तो यहाँ उसके बाद आपने देखा होगा आरआरबी इलाहाबाद की कटाप इतने ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन के बाद आप देखेंगे कि कटाप कितनी गई थी। यहाँ पर जनरल कैटेगरी की 74.57 गई थी, एससी की 62.92 गई थी, एसटी की 50.12, ओबीसी की 69.78, ये फिजिकल के लिए कटाप गई थी। फाइनल आप 4 से 5 नंबर इसमें मान लीजिए एक्स्ट्रा, फाइनल शायद जनरल की 77 के आसपास गई थी, 76 या 7 के, ओबीसी की लगभग 73 पॉइंट कुछ गई थी, एससी की भी लगभग 67, एसटी की लगभग 55 के आसपास गई थी। तो ये कटाप 4 से 5 नंबर आप मान लीजिए किसी कोई भी जोन हो, मैं यही नहीं कह रहा हूँ, आप किसी भी जोन से हैं तो ये कटाप फिजिकल से 4-5 नंबर एक्स्ट्रा ही जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने इसे डाउनलोड किया है। यहाँ पर कम्युनिटी, यहाँ पर एक सर्विस मैन की देखेंगे 40 गई थी, उसके बाद 32 इस हिसाब से, और CCEA रेलवे, इसका मतलब होता है जो जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया था, यानी अगर आपने अप्रेंटिस किया है तो यहाँ पर देखेंगे कट ऑफ 41 गई थी, 30 गई थी, 36 गई थी, 30 गई थी, यानी ये अप्रेंटिसशिप वालों के लिए कट ऑफ है, तो बहुत कम गई थी, केवल आप पासिंग मार्क 30% लाइए आप वहाँ पर क्वालिफाई हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अब आगे मैं बात करूँ अगर 2019 में आप देखेंगे जो टोटल सीटें हैं यहाँ पर देखेंगे 4730 सीटें निकाली गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं हल्का सा जूम करता हूँ आपके सामने, मैं सब कुछ लेकर आया हूँ, एक एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ, असिस्टेंट वर्कशॉप की, असिस्टेंट वर्कशॉप की, उसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट ब्रिज CNW की, यहाँ लोकोशेड की, उसके बाद असिस्टेंट पॉइंट मैन की, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस हिसाब से देखेंगे 4730 पोस्टें हैं, 2080 जनरल की हैं, 678 एससी की हैं, 317 आपकी एससी की, एसटी की हैं, उसके बाद 1175 आप देखेंगे ओबीसी की हैं, 474 ईडब्ल्यूएस सेक्शन नया जुड़ा है 20 साल, इसके पहले नहीं था, तो यहाँ पर एक नया जुड़ा है ये पोर्सन। ये एक सर्विस मैन की 948 है, CCA की जो मैंने अभी अप्रेंटिसशिप के लिए बताया, यहाँ पर आप देखेंगे उनके लिए 948 लगभग 1000 सीटें निकाली गई हैं। यहाँ पर इन्होंने लिखा है एबव वैकेंसीज इंक्लूड वैकेंसीज ऑफ DLW वाराणसी, यानी कुछ सीटें आप देखेंगे DLW यानी DLW ने असिस्टेंट वर्कशॉप की, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे असिस्टेंट डिपो स्टोर्स की, यहाँ पर 2 सीटें इसमें हैं और शायद इसमें 3 सीटें इसमें, तो इसने क्या किया है DLW ने इलाहाबाद जोन को दे दिया कि आप वैकेंसी हमारी करवा दीजिए। तो यहाँ पर वर्कशॉप है, दरअसल DLW वर्कशॉप है, तो वहाँ पर वर्कशॉप का काम होता है, तो इसने वैकेंसी इलाहाबाद जोन को दे दी है। यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग कैंडिडेट
यानी कौन से कैंडिडेट फैक्टर अफेक्ट करेंगे, तो हमें पता है ग्रुप डी में 62,000 बच्चे तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। ये चीज़ें मैं सब कुछ देख के आपको बताऊँगा कि आखिर कट ऑफ पे क्यों प्रभाव पड़ेगा। तो आप सोचिए, उस समय कोई वैकेंसी नहीं थी, ग्रुप डी की ये पहली वैकेंसी थी 2014 के बाद, यानी 4 साल बाद ये वैकेंसी आई थी। 2018 में 62,000 कैंडिडेट थे, तब इतनी कट ऑफ गई थी। सोचिएगा, मैं बहुत ही बढ़िया से एनालिसिस करके बताया हूँ, बाकी आपको कैसा लगा ये कमेंट जरूर करिएगा। उसके बाद सेकंड पे आरआरबी लोको पायलट और टेक्नीशियन में 60,000 प्लस वैकेंसी थी, लगभग 64 के आसपास थी, तो यहाँ मैं 60,000 ही लिया हूँ। 60,000 प्लस मान लीजिए 60,000 बच्चे आपके सेलेक्ट हो गए हैं आरआरबी मतलब लोको पायलट और टेक्नीशियन में। यही हर जोन का हाल है, मैं इलाहाबाद जोन की कट ऑफ भले बता रहा हूँ, लेकिन आप समझिएगा ये पूरे इंडिया मतलब ओवरऑल इंडिया की वैकेंसीज हैं। और आपको ये पता होना चाहिए आरआरबी जेई में भी वैकेंसी आई थी, कितनी 13,000। ये तीनों वैकेंसी जब आई थी 13,000, ये सब सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, ये जो वैकेंसी तीनों आई थी उस समय इन लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, इस मतलब ग्रुप डी की भी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, ये लोग भी भरे थे। उसके बाद आरआरबी लोगों क्योंकि ये अगस्त में शायद ज्वाइनिंग इसकी हुई थी ग्रुप डी की, और इसका जनवरी में फॉर्म आ गया था, ये लोग भी भरे हैं 62,000। और यहाँ पर आरआरबी लोको पायलट 60-65,000, इनकी भी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, ये लोग भी भरे हैं। और यहाँ पर आरआरबी जेई ये लोग भी भरे हैं, इनकी भी एग्ज़ाम नहीं हुआ था, इनका एग्ज़ाम अगस्त सितंबर में CBT 2 का हुआ था, तो सोचिए ये लोग भी भरे हुए हैं। और SSC GD पुलिस अदर, आपने देखा होगा GD की काफ़ी सारी वैकेंसी निकली थी, उसके बाद पुलिस के लगभग 1,00,000 के आसपास, और अदर वैकेंसीज में भी SSC हो गया, CGL हो गया, और स्टेट की जो भी वैकेंसी निकली थी जगह जगह, तो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। किसी का लोअर PCS में हो गया है, किसी का रुका हुआ था किसी में, तो 1,50,000 बच्चे ये भी सेलेक्टेड हैं। और ये कब सेलेक्टेड हैं, जब ये वैकेंसी आई हुई थी तब, यानी इसमें फॉर्म भरने के बाद, इन चारों में फॉर्म भरने के बाद भी ये लोग इसमें 1,00,000 वैकेंसीज में ये लोग अप्लाई किए हुए हैं। और मैं बता दूँ, जिसका यहाँ पर RRB JEE में हो गया है वो तो कभी एग्ज़ाम नहीं देने आएगा, जिसका लोको पायलट टेक्नीशियन हो गया है वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम कभी नहीं देने आएगा, और जिसका पुलिस और जीडी के बच्चे आ सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जीडी की जो जॉब थोड़ी टफ होती है, तो जीडी के बच्चे दे सकते हैं, लेकिन उनकी तैयारी का कोई मतलब है नहीं। और यहाँ पर आप देखेंगे पुलिस में भी मैक्सिमम चांस है नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि स्टेट की जॉब है तो बहुत कम लोग वो करते हैं, लेकिन रेलवे अच्छा माना जाता है, तो बहुत सारे लोग उनकी इच्छा होती है, तो रेलवे पुलिस इसमें भी छोड़ेंगे वैसे नहीं, मैं बता रहा हूँ पुलिस में भी जीडी की छोड़ सकते हैं, लेकिन वो किसी लायक अब नहीं है, 2 साल ट्रेनिंग करने के बाद सभी को पता होता है। और यहाँ पर जो ग्रुप डी के बच्चे हैं ये तो एग्ज़ाम नहीं देंगे, देंगे तो वो बच्चे देंगे जैसे जिनका ट्रैक मेंटेनर मिल गया है 4, और उसके बाद जो और जिनका पॉइंट मैन वगैरह मिला है वो तो एग्ज़ाम कभी नहीं देंगे, वो क्या करेंगे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देकर। और ये जो ट्रैक मेंटेनर वाले देंगे, तो सोचिए उसी समय इनकी स्थिति थी कि इन्हें ट्रैक मेंटेनर मिला था, मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ पढ़ने में, लेकिन फिर भी इन्हें लास्ट पोस्ट मिली थी, सबसे लास्ट में प्रेफरेंस चुना जाता है, सबसे लास्ट में इनको मिली थी। तो उसके बाद ये अब 3 साल नौकरी करने के बाद कोई किसी की तैयारी उतनी अच्छी नहीं होती, ये सभी को पता है, सभी को पता है कि उतनी अच्छी तैयारी नहीं होती जितनी कि पहले होती थी। जो उस समय जुनून रहता है वो नहीं रहती, 3 साल बाद जो आदमी जॉब करने लगता है वो सोचता है छोड़ दे। तो इतने सारे कैंडिडेट हैं, इसमें 60,000 हो गया, ये 60,000 मोटा मोटा आंकड़ा ले लें, इसमें 15,000 ले लें, उसके बाद इसमें 1,50,000 ले लें, तो यहाँ 6, 6, 12, यानी यहाँ पर देखेंगे लगभग 3,00,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ग्रुप डी में एग्ज़ाम दिया तो है, लेकिन मतलब वो कहीं ना कहीं सेलेक्टेड हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो इनकी संभावना नहीं है। ये वो कैंडिडेट है जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, यानी जो फाइटर हैं, यानी जो आपसे लड़ने वाले थे, और नए बच्चे जो आ रहे हैं उनसे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि नए बच्चे जो हैं वो फार्म नहीं अप्लाई कर पाए थे। 3 साल में बहुत सारे कैंडिडेट निकले हैं, आपको पता होगा, जिनकी एज 18 साल हुई। उसके बाद अगला जो फैक्टर है वो क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट और नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करेगा। क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट का मतलब होता है कि हो सकता है जैसे दिल्ली जोन हो गया आपका, इलाहाबाद जोन हो गया, कोलकाता, हो सकता है यहाँ पे अच्छे बच्चे बैठे, मैं मान रहा हूँ, लेकिन फिर भी अच्छे इनके ऊपर डिपेंड करता है कि कट ऑफ, अगर ये ज़्यादा नंबर ला लिए, एक मैक्सिमम 1,000 कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम दिए थे, तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन का लाभ कम आपको मिले, तो ये चीज़ हो सकता है यहाँ पर, लेकिन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। सभी को पता है 2 साल से कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है, और तैयारी जो बच्चे कोचिंग में जो नए 2018 में अप्लाई किए थे, वो जो गए हैं कोचिंग करने, वो तैयारी नहीं कर पाए हैं, सब घर पे हैं, सभी को पता है, ऑनलाइन चाहे जो पढ़ ले,
तैयारी चाहे जो कर ले, उसके बाद 2 महीने कोचिंग खुलती है, फिर लॉकडाउन लग जाता है, कोचिंग बंद हो जाती है। और जो 2018 के पहले थे वो सेलेक्ट हैं ऑलरेडी, इन सब वैकेंसीज में सेलेक्ट हैं। तो सोचिए ये फैक्टर है। इसके बाद मैं आपको कटाफ बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल जो 9 लाख यहाँ फार्म भी कम पड़े हैं, आधे फार्म पड़े हैं, 9 लाख एक लगभग 9 लाख 11-10 हज़ार के आसपास फार्म पड़े हैं, पिछली बार 18 लाख थे। यहाँ पर सीट आपका कंपटीशन भी कम हो गया है, 192 है, पिछली बार 377 था, कम हो गया, आधा कंपटीशन बचा है। अटेंडेंस प्लस COVID-19 का इफेक्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे अटेंडेंस भी आपने NTPC में देखा होगा 50% के आसपास, 50-60 के आसपास अटेंडेंस थी। ग्रुप डी का वही हाल रहने वाला है, कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चे सेलेक्टेड हैं वो NTPC की पोस्ट अच्छी मानी जाती है, इसलिए वो मतलब एग्ज़ाम दिए थे, ग्रुप डी का वो एग्ज़ाम नहीं देंगे। तो मैं 50% ही मान रहा हूँ, यानी 9.5 लगभग 9 लाख है, तो 4 लाख ही, 4.5 लाख ही पेपर देने वाले हैं, इससे ज़्यादा पेपर नहीं देंगे, मेरी गारंटी है। आप देखिएगा मैं यहीं रहूँगा। और कटाफ, यहाँ पर कटाफ की मैं बात करूँ, बेसिकली यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप 60+ मॉक टेस्ट में ला रहे हैं, ये रॉ मार्क है, 60+ नॉर्मलाइजेशन इस बार चेंज हुआ है फार्मूला, तो ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप 60 नंबर ला रहे हैं, डिपेंड करेगा, 60 नंबर मॉडरेट मतलब सिंपल पेपर है, तब आप 60 ला रहे हैं तो आप क्वालिफाई हैं, यानी कट ऑफ यही रहने वाली है, फिजिकल में आप इतने नंबर में क्वालिफाई हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। OBC में अगर आप 58 ला रहे हैं, ये रॉ मार्क्स हैं, यानी पेपर मॉडरेट और सिंपल लेवल का है, तो अगर आप 58 ला रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अगली है 55, अगर आप SC ST कैटेगरी से 50+ भी बिलोंग करते हैं, मैं 55 इसलिए लिख दिया हूँ कि कम से कम इतना थोड़ा बहुत वेरी करता है SC ST कट ऑफ, तो अगर आप इतना इसमें ला रहे हैं तो आप एक अच्छा स्कोर कर रहे हैं। बाकी EWS की मैं बात करूँ, तो इस बार EWS ऐसा अचानक आया कि बहुत सारे बच्चे सर्टिफिकेट भी नहीं बनवा पाए थे, अचानक उस समय नया नया आया था। तो मैं बता दूँ EWS यहाँ पर अगर आप 50 भी ला रहे हैं, अगर 50 नंबर भी ला रहे हैं, तो आप आराम से सेलेक्टेड हैं, आराम से निश्चिंत हो जाइए, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, मेरा एनालिसिस कैसा लगा आपको, एक कमेंट कर दीजिएगा। आप किसी भी जोन से अगर आप कट ऑफ चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।